वेलकम टू टारगेट विद एसएएस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई वैकेंसी के बारे में। और नई वैकेंसी आई है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की, एफएसओ खाद्य सुरक्षा अधिकारी। इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, सैलरी पूरी जानकारी दी जाएगी। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 200 के आसपास हैं, 200 से ज़्यादा। और आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए तो पूरी समझ में आएगी। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिल सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से ये निकाला गया है। और ये विस्तृत विज्ञापन है आपका 21/10/2022 को निकाला गया है। और ये आपका है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर। यहाँ पर 200 पदों की ये भर्ती है और पदों की संख्या जो है टेंटेटिव है, मतलब घट बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और पदों की संख्या का जो विवरण दिया गया है ये अनरिजर्व है। एससी, एसटी, बीसी, एम्स, बीसी, ईडब्ल्यूएस और ये यहाँ पे डिवाइडेशन है वैकेंसी का, ठीक है। और हम बात कर लें यहाँ पे इसकी शैक्षिक योग्यता की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ए डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस और वेटनरी और साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्राम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी अदर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री हो तो आप लोग इसमें आराम से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग और स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द पर्पज। और यहाँ पे साफ साफ नोट करके लिखा हुआ है देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग पीरियड टू सिलेक्शन, दिस ट्रेनिंग शैल बी प्रोवाइडेड द सिलेक्टेड कैंडिडेट ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। और यहाँ पे वर्किंग नॉलेज भी मांगी गई है, वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान की बात करें तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है कि शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग अभी बीएससी, एजी या जो भी अपनी डिग्री फाइनल ईयर में कर रहे हैं तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए आप लोगों की इसकी परीक्षा से पहले। और यहाँ पे वेतन पे की मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो यहाँ पे 4200 का है आपका ग्रेड पे। और राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स दे होगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम एज 18 वर्ष, अधिकतम एज 40 वर्ष मांगी गई है। और यहाँ पे 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। और यहाँ पे ये कुछ आयु सीमा के छूट के बारे में दिया गया है और ये आप लोग अपनी कास्ट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे आयु सीमा में छूट दी जाएगी 5 वर्ष और 10 वर्ष जैसे भी आपकी कास्ट के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पे ये दिया गया है चयन प्रक्रिया, ये अन्य विवरण दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। और संबंधित सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा को मेरिट के क्रम में होंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें परीक्षा का स्थान व माह कौन सा होगा, तो परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथावत सूचित किया जाएगा, इसका अलग से नोटिस निकाल के आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और बात करें परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम की
तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 19 के अनुसार आयोजित की जाएगी और परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे सिलेबस जो है ये लोग अलग से जारी करेंगे, ठीक है, और विस्तृत कार्यक्रम और आवेदन अवधि जो है आप लोगों की 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और ये 30 नवंबर तक रात्रि 12 बजे तक चलेगी। और आवेदन प्रक्रिया क्या करना है, आप लोगों को कैसे आवेदन करना है, यहाँ पे पूरा फुल डिटेल में लिखा है। और तो यहाँ पे बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, काफ़ी लेंथी प्रोसेस लिखी है, मैं आसान भाषा में आप लोगों को बता दूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले ये वेबसाइट दी गई है rpsc.rajasthan.gov.in, तो इस पर आप लोगों को OTR कर लेना है। OTR मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 time registration, तो जो आपको 1 time registration कर लेना है पहले ये वाली वेबसाइट पे, ठीक है, और उसके बाद आप लोग OTR आपको मिल जाएगा आपका, और उसके बाद आप लोग इस वेबसाइट पे जाके sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये पूरी तरह से कर लेना है, ठीक है, और इसको अगर आप लोग आवेदन करना चाहें तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में बता दिया, तो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके अलावा बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट यहाँ पे पार्ट ए में दिया गया है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, पार्ट बी में दिया गया है कंसर्न सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 40 क्वेश्चन होंगे जिनके टोटल मार्क्स 40 होंगे, और कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो 110 क्वेश्चन होंगे और 110 मार्क्स के, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और टोटल मार्क्स भी 150 होंगे आपके, और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगी 2.5 घंटे की, ठीक है, 2.5 घंटे में आप लोगों को 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो कि आपके यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के ही रहेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे रॉन्ग आंसर सेल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, तो आप अगर एक से ज़्यादा आंसर कर देंगे तो वो गलत माना जाएगा, और अगर गलत करेंगे वो तो गलत माना ही जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये ऑनलाइन आवेदन पर संशोधन संबंधी सूचना दी गई है, और यहाँ पे आप देखिए इसकी शुल्क दिया गया है, सभी प्रकार के संशोधनों हेतु शुल्क ₹500 निर्धारित है, अगर आप इसमें संशोधन करेंगे तो उसकी 500 फीस लगेगी, जबकि यहाँ पे परीक्षा शुल्क ये देखिए दिया गया है, तो ये सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु ₹350 लगेंगे, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो EWS जो है वो उसके ₹250 लगेंगे, और जो आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उसके ₹150 लगेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु या नोट्स दिए गए हैं, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये विस्तृत जानकारी मैंने आपको संक्षेप में दे दी, आप लोग इसको अप्लाई अगर करना चाहें तो इसको नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले एक बार उसका नोटिफिकेशन ज़रूर अच्छे से पढ़ें। और इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और टारगेट विद SAH नाम से ही टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई पूरी विस्तृत जानकारी, और फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है क्वेश्चन करके पूछ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।